Kiran. So I've been Miss India and Miss Beautiful Earth, and right now I'm into modeling, acting, anchoring, and also grooming sessions. So today I'm here to promote a wonderful cause. हमारी सोसाइटी की एक कम्युनिटी होती है, एक सेक्शन है जिसे हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, जो कुछ टाइम पहले तक काफ़ी दे वर नॉट रियली ट्रीटेड नाइसली, दे डिडंट गेट देयर राइट्स, बट रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद दे हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स, एंड यू नो इट्स पनिशेबल अगर आप किसी भी ट्रांसजेंडर को, इफ़ यू यूज़ एनी स्लैंग एनीथिंग, इफ़ यू ट्राई टू शो देम डाउन, इट्स पनिशेबल एज पर लॉ. सो इसी कॉज को आगे प्रमोट करने के लिए, इसी कम्युनिटी को थोड़ा और एनकरेज करने के लिए, इन्हें प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमारे साथ आज जिन्हें वो काम कर रहे हैं वो हैं रियल वॉइस फाउंडेशन एंड वुमेन पावर एसोसिएशन. दे आर डूइंग सम कमेंडेबल वर्क फॉर दिस कम्युनिटी, एंड रिसेंटली नाउ दे आर गोइंग टू डू अ फैशन शो फॉर दिस ट्रांसजेंडर्स, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स जो हैं दे यू नो दे ऑल्सो हैव दैट मैटरनल इंस्टिंक्ट इन दैम, सो दे अडॉप्ट किड्स. नाउ वैन दिस किड्स आर अडॉप्टेड, वी नो ट्रांसजेंडर्स डोंट रियली हैव सम साउंड बेसिस ऑफ अर्निंग, सो उनकी एजुकेशन, उनके एक्सपेंसेस अफोर्ड करने के लिए ऑल ट्रांसजेंडर्स, आई शुड से मेनी मेनी ऑफ देम, आर कमिंग टुगेदर डू अ फैशन शो. इससे जो भी इनके फंड्स जनरेट होंगे दैट दे विल यूज फॉर देयर किड्स एजुकेशन. इजंट इट अ नोबल कॉज? वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप इन आवर सोसाइटी. देयर आर सम लूपहोल्स व्हिच इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू कम टुगेदर एंड ब्रिज इट. कम डाउन, एनकरेज दिस, वील वॉच दिस, वील वेट फॉर यू ओवर देयर. कम डाउन टू दिस फैशन शो ऑफ फॉर द ट्रांसजेंडर्स, बाय द ट्रांसजेंडर्स एंड ऑफ देम. थैंक यू सो मच. Hi, this is Payal Kukarna, founder of social.com. I'm into business marketing and PR. So today I'm not here for any kind of marketing or PR. Today I'm purely supporting transgenders. Abhi to Supreme Court ne bhi iska verdict pass kar liya hai. So this cause is a very, very near and dear to my heart, which is initiated by Real Voice Foundation and Women Power Association, which is initiated by Archana Sharma ji, which is the transgender who are adopting few kids from the orphanage. Isn't it a good cause? Yes. So aaiye jodiye isse, फंड रेजिंग कीजिए जिससे हम लोग उनको बहुत अच्छा एडुकेशन दे सके. एडुकेशन अगर वो एडुकेट होंगे तो लाइक सीखेगा इंडिया, पढ़ेगा. कॉज विच इज़ कमिंग ऑन जनवरी, सो वी ऑल आर देयर. आई एम गोइंग टू सपोर्ट दिस कॉज. आई एम गोइंग टू सी यू देयर. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ पायल कुकरना. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आई एम डॉक्टर कंचन गुप्ता, एंड टुडे स्पेशली आई हैव कम टू मीट यू, एंड रियल वॉइस फाउंडेशन हैज़ इन्वाइटेड मी. Archana Sharma, global ambassador, she is associated with this noble cause. You know, these transgender people, there are many people in the society, we don't know what they actually do, and we try to drive them away and all, but this is not right. Now they also have got right to live normal life, and they are doing real great work. They are adopting children because they also have feelings. They want that somebody should call them ma and all. तो इसलिए वो लोग बच्चों को, स्ट्रीट के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं. वो उनके लिए पढ़ाई करवाते हैं, उनसे फंड्स जमा करते हैं, एंड दे आर रियली डिवोटेड देयर लाइफ फॉर दिस गुड कॉज. सो आई फील दैट वी ऑल्सो शुड सपोर्ट दिस ट्रांसजेंडर पीपल, एंड वी शुड ऑल्सो लाइक एजुकेट देम, गिव देम सम ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, सो देयर बाय दे कैन अर्न द लिविंग एंड दे कैन सपोर्ट दिस स्ट्रीट चिल्ड्रेन. So I really thank this Real Voice inviting me, and hope you all will understand the needs of the society and try to help them. Thank you very much. Hi, मैं लीला गजरा, बिजनेस वुमन. मुझे बेहद खुशी हो रही है कि रियल वॉइस फाउंडेशन कार्यक्रम में हम सब साथ में जुड़े, और उनका कार्यक्रम ऐसा है कि उनकी भी एक फीलिंग्स रहती है, जो बच्चों को उन्होंने एडॉप्ट किया है उनकी भी पढ़ाई और आगे का जो जीवन है उसको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक जो प्रोग्राम रखा है उसमें जो भी फंड उनको जो रेज होगा वो इस कार्य में आगे उनको बढ़ाने के लिए हम सहभागी हो, इतनी आप लोग से विनती करती हूँ. यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि हमारी अर्चना शर्मा जी, जो एक कई दशकों से समाज के लिए अग्रणी हैं और समाज में बढ़ चढ़ कर अपनी समाज सेवाओं के लिए जानी जाती हैं, वो ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं जनवरी में, जो ऐसे लोगों के लिए जो दुनिया में आए तो हैं पर उनके लिए कुछ विशेष स्थान के लिए हम उनको प्रयासरत हैं, जो ऐसा हमारी अर्चना शर्मा जी ऐसा कार्य कर रही हैं जिसमें उनकी पूरी टीम है. मैं चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, कि उनके लिए इस कार्यक्रम में और इस पार्टिसिपेट के लिए पूरा भरपूर सहयोग करें. मेरी इसमें उनके लिए शुभकामनाएं हैं. हमारे अखिल जी, हमारे गजरा जी, लीलाबेन गजरा जी, जो बड़ा ही इनके साथ हमेशा एक सहयोग रहा है इन सबका, और एक साथ मिलकर काम करते हैं,
तो मैं भी इसमें जहाँ तक मेरी संभवता है मैं पूरा इनके लिए सहयोग है मेरा। मेरी शुभकामनाएं हैं आगामी कार्यक्रम के लिए कि वो भव्यता के साथ पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ अच्छा सा आनंद संपन्न हो, मेरी अनेकों शुभकामनाएं हैं रियल वाई फाउंडेशन। दोस्तों अब आगामी कार्यक्रम के तहत आप लोग देखेंगे कि रियल वॉइस फाउंडेशन जो है एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है जिसमें हमारी अर्चना शर्मा जी होंगी और इनको आप लोग सहयोग करें, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि ट्रांसजेंडर्स आएंगे और ये वो लोग हैं जो हमारे समाज को, ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसमें सारे ट्रांसजेंडर्स आने वाले हैं। एक चैरिटी फैशन शो होगा, आप देखेंगे कि उस फैशन शो के ज़रिए जो भी फंड अर्न होगा, जो भी फंड जमा होगा उसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जाएगा उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, उन्हें एजुकेशन मिलेगा। तो ऐसे सामाजिक कार्य में आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ये हमारा निवेदन है, हमारा सहयोग है और हम सब उसमें शामिल हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें, प्रसार करें और आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग इसे मिलकर के सहयोग करें। हमारी अर्चना शर्मा जी इसको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है और हम सब उनके साथ हैं अर्चना जी। और रियल वॉइस फाउंडेशन जो ये काम कर रहा है उसे सल्यूट है, क्योंकि ये वो लोग हैं ट्रांसजेंडर्स, वो लोग हैं जो हमारे जैसे ही हैं और शायद हमसे थोड़े ज़्यादा सुपरलेटिव पावरफुल है, तो उन्हें हक मिलना चाहिए और हम सबको उन्हें सहयोग करना चाहिए। हाई, आई एम तस्नीम मर्चेंट, फैशन डिज़ाइनर और मैं रियल वॉइस फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है श्रीमती किन फैशन शो ऑर्गेनाइज करके, वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अर्चना जी, फानुस जी, ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई होप टू होल हार्टेडली सपोर्ट इट एज अ डिज़ाइनर, एज अ कॉमन पर्सन हु इज गोइंग टू लुक ऑन देम विद ग्रेट रिस्पेक्ट। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और अभी अभी मुझे पता चला है कि रियल वॉइस फाउंडेशन ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जो किन्नरों को अपनी सोसाइटी में गले लगाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए आगे बढ़ी हैं और उनके लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत सारे नामचीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उन लोग ने ये कदम उठाया है और मुझे ये जान के बहुत ही खुशी है। उन लोग के भी उतना ही हक है आम जिंदगी जीने का जैसे हम इंसानों को होता है, उन लोग की इंसानी है, कुछ हमसे या आपसे कोई अलग नहीं है। ये जो रियल वॉइस फाउंडेशन है वो अगर हमारे समक्ष कुछ भी प्रस्ताव लेके आएंगे और जो हमसे बन सकेगा वो उनको आगे करने के लिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे।